वशिष्ठ के गुरुकुल जाके अल्प काल विद्या सब पाके पूरन हुई शिक्षा रघुवर पूरन काम की हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की स्वर कोमल भावना रोचक प्रस्तुति ढंग एक एक कर वर्णन करें लव कुश राम प्रसंग विश्वामित्र महामुनि राई तिनके संग चले जो भाई कठोर सबकी दृष्टि राम की ओर राम विनय गुण के अवतार गुरुवर की आज्ञा सिर धार सहज भाव से शिव धनु तोड़ा जनक सुता संग नाता जोड़ा रघुवर जैसा और न कोई सीता कुश ने सबके मन जीते वन गमन सीता हरण हनुमत मिलन लंका दहन रावण मरण अयोध्या पुनरागमन सविस्तार सब कथा सुनाई राजा राम भय सुख समृद्धि श्री घर घर आई
जो एक राजा की पुत्री है, एक राजा की पुत्र वधु है और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी है, वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है, अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए किसी से सहायता मांगे बिना कैसे अपना काम वो स्वयं करती है, स्वयं वन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपना धान कूटती है, स्वयं अपने चक्के पीसती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है, अब उसकी एक करुण झांकी देखिए। जनक तुलारी कुल वधु दशरथ जी की राज रानी होके दिन वन में बिताती है, रहती थी घेरी जिसे दस दासी आठों या दासी बनी अपनी उदासी को छुपाती